आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, ऋतु रिवा का जो है नया वीडियो निकल कर सामने आ रहा है जो कि लाइव परफॉर्मेंस है। मैं आप लोग को वो वीडियो पूरा दिखाऊंगा आज इस वीडियो में, तो आप लोग इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगी, जैसे कि ऋतु रिवा किस बैंड के साथ काम करते हैं या फिर किन किन लोगों के साथ काम कर सकते हैं काम करते हैं और उनका किस तरह से प्रोफेशनली बजाते हैं या फिर नहीं बजाते हैं, सब कुछ मैं उन लोग के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और उनका जो है वीडियो, जो न्यू वीडियो है सामने आया है, वो भी मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि इनका फर्स्ट जो है बैंड में इनका है, इनका अलग बैंड बना लिए हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका अलग बैंड है जिसमें वो अपना सिंगिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कहीं भी परफॉर्म होता है, लाइव कॉन्सर्ट होता है तो वो जाते हैं। तो हर किसी का एक अलग अलग बैंड होता है। जैसे कि अगर बड़ा बड़ा सिंगर का बात किया जाए, अरिजीत सिंह का या फिर जो है जुबिन नौटियाल का, किसी भी सिंगर का अलग अलग अपना अपना बैंड होता है और उस बैंड के साथ ही जो है परफॉर्म करने जाते हैं, कॉन्सर्ट करने जाते हैं और जितना भी पैसा वगैरह मिलता है वो सबको अलग अलग चार्जेस रहता है, सबका उस तरह से डिवाइडेड होता है। तो यही जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि करोड़ों रुपया उन लोग चार्ज करते हैं, तो करोड़ों रुपया जो है ओनली सिंगर को ही नहीं मिलता है बल्कि और लोगों को भी उससे मिलता है। तो अंशुल जो पहला जो इनका जो है बैंड में शामिल है वो है अंशुल दावर। अंशुल दावर शामिल है और ये कीबोर्ड प्लेयर है, कीबोर्ड बहुत ही अच्छा बजाते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है। और चलिए थोड़ा सा वीडियो में आप लोग को इनका दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इनका थोड़ा सा वीडियो देखा और लग रहा है कि आप लोग को प्रोफेशनली बजाता है बोल के, उसके बाद दूसरा नंबर पे है ये बिकी शर्मा। बिकी शर्मा ड्रम्स जो है प्ले करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनली प्ले करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं वीडियो भी दिखाता हूँ उनका, जो कि आप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे कि इनका जो ड्रम्स वाला वीडियो देखे तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही एक एक बारीकी से ये बजा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं लॉरेंस डॉन जो है वो है गिटारिस्ट है और बहुत ही ये भी बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। जितने भी इनके बैंड में शामिल है वो बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इनका भी थोड़ा मैं वीडियो आप लोग को प्ले करके दिखा दूंगा। उसके बाद प्रिंस गोगोई। प्रिंस गोगोई का क्या ही बात किया जाए कि इतना अच्छा प्रोफेशनली बारीकी से बजाते हैं, गिटारिस्ट हैं। और चलिए मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा के बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को प्रिंस गोगोई का वीडियो देखे और कितना कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और चलिए दोस्तों, आप लोग ऋतु रिवा का भी वीडियो देखे और इनका जो है अभी नया बैंड है और नया शुरुआत है, तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए।
तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इनको सपोर्ट किए हैं और इसी तरह से ही आगे बढ़ते रहेंगे। और आज इस वीडियो में आप लोग को यही बताना था, इनके बैंड के बारे में बताना था, और हर एक चीज़ में आप लोग को बताया हूँ, वीडियो दिखा दिखा में बताया हूँ। तो इसलिए इस चैनल को आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।